जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों वैवाहिक जीवन के अंदर बनने के बाद पति का कोई भी कर्म होता है तो उसका फल पत्नी को मिलता है, और पत्नी का कोई कर्म होता है तो उसका फल पति को मिलता है। अर्थात वैवाहिक जीवन के बाद पति पत्नी की कुंडली एक समान हो जाती है, जैसा वह कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे को फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि पति और पत्नी की अगर यह गलती होती है तो उनके परिवार को बर्बाद करने के बराबर होती है, और ऐसे परिवार के अंदर माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती और धीरे धीरे उनका वैवाहिक जीवन खतरे की तरफ बढ़ जाता है। तो आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि देवी देवताओं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, न कि अन्य देवी देवताओं के क्रोध और नाराजगी का आपको सामना करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन के अंदर इतने मग्न हो जाते हैं कि बाकी सारे रिश्ते भूल जाते हैं। आपको सबसे पहले यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहला स्थान अपने देवी देवता, माता पिता और अपने पितरों को देना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी पति या पत्नी के अंदर ही मग्न हो जाते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करने लगते हैं तो दोस्तों ऐसा घर कुछ समय तक ही टिकता है, उसके बाद उस घर की बर्बादी निश्चित तौर पर हो जाती है। बल्कि आप यह करें कि रोजाना सुबह उठने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और देवी देवताओं के चरण स्पर्श करें तो ऐसा वैवाहिक जीवन लंबे समय तक टिकता है और ऐसे वैवाहिक जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, दूसरा, पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है और एक दूसरे के विश्वास के ऊपर टिका रहता है। जब पति किसी प्रकार की गलती करता है तो पत्नी को बहुत पीड़ा होती है, और पत्नी की गलती से पति को बहुत पीड़ा होती है। तब आप इस बात का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन के अंदर बंधने के बाद आपको केवल और केवल अपने पति के प्रति समर्पित होना है और पति को पत्नी के प्रति समर्पित होना, पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन, इस प्रकार की गतिविधि आप करते हैं तो ऐसा पारिवारिक जीवन कुछ समय के लिए ही टिकता है, और ऐसे पारिवारिक जीवन के ऊपर राहु अपना काल बनकर बैठ जाता है, और ऐसे पारिवारिक जीवन के ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, इसी वजह से ऐसा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, एक बात और है कि पत्नी को कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका ध्यान रखना सुहागिन महिला का कर्तव्य होता है, और अगर वह आज के समय में इसे भूलती है तो आपके वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, फैशन के तौर पर महिलाएं आज के समय सिंदूर नहीं लगाती हैं। दोस्तों, सिंदूर लगाने का तात्पर्य आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन की निशानी होती है। माथे पर सिंदूर लगाना कलंक नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो अगर महिलाएँ अपने सुहाग की वस्तुएँ, जिसे अपना बोझ समझती है, हाथों के अंदर कंगन हो, चाहे मंगलसूत्र गले के अंदर हो या फिर सिंदूर हो या पैरों के अंदर बिछी हो, आज के समय में महिलाएं ऐसी चीजों को बोझ समझकर पहनती नहीं या फैशन के तौर पर इन चीजों को उतारकर इनकी जगह दूसरी चीजें धारण करती है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की चीजों को तवज्जो नहीं देते हैं तो आगे आने वाला आपका भविष्य अच्छा नहीं रहता, और आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के संकट और कष्ट देखने को मिल जाते हैं, और धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सुहाग महिलाएं विशेष इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप सुबह उठें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब भी आप सुबह उठें, रात्रि को आप एक साथ हैं, तो सुबह उठ के ही आपका पहला कर्तव्य यह बनता है कि आप स्नान आदि करने के बाद घर के कार्यों के अंदर भाग लें। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले स्नान आदि करना है, उसके बाद आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, अन्यथा आपको रसोई घर के अंदर प्रवेश करना साक्षात माता अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है, और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है, और उसके बाद ही आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करें और देवी देवताओं को
आपको निमित्त आप कार्य करें। इसी तरह दोस्तों सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से खुले बाल रखकर रसोई घर के अंदर भूल कर भी प्रवेश नहीं करें। बालों को आप बंधा रहने दें, उसके बाद ही आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करें। खुले बालों को आप अगर रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अगर आपका बाल खाने के अंदर आता है तो दोस्तों ऐसा खाना दूषित भोजन माना जाता है और उस खाने का परिणाम आपको देखते ही देखते आपको नकारात्मक मिलने लगता है। इसी वजह से ऐसा मना किया जाता है कि आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, खुले बालों के माध्यम से आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों घर की शोभा घर की स्वच्छता से होती है, तो दोस्तों ऐसी कोई महिला हो जो सुबह देर तक सोती रहती हो और सुबह रात्रि को देर तक जगना और सुबह देर तक सोते रहना, घर की साफ सफाई के अंदर भी ध्यान नहीं देना, ऐसा कर दोस्तों दरिद्रता को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और अलक्ष्मी वहाँ पर निवास कर लेती है और माता लक्ष्मी ऐसा घर छोड़कर चली जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करना और अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना प्रत्येक हिंदू धर्म की महिला का कर्तव्य होता है और ऐसा करके आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी जी को आमंत्रित करवाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, ऐसा करना साक्षात माता लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जहां पर जूठे बर्तन होते हैं रात्रि को वहां पर नकारात्मकता का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वहां पर अलक्ष्मी अपना कब्जा जमा लेती है और ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। कहीं महिलाएं आलस्य करती है कि रात्रि को बर्तन सिंक के अंदर जूठे छोड़ देते हैं और सुबह उन बर्तनों को धोते हैं। अगर आपको बर्तनों को धोना ही पड़ता है तो रात्रि का काम रात्रि के अंदर ही करें ताकि उन बर्तनों के ऊपर नकारात्मकता और आपके घर के अंदर माता अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहे, न कि आपसे नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों महिलाओं और पुरुषों से विशेष निवेदन है कि घर की दहलीज पर संध्या काल के समय बैठना और संध्या काल के समय घर की दहलीज पर सोना बहुत ही बुरा माना जाता है। ऐसा करना उस घर को गलत घर बना देता है और वहां पर नकारात्मकताएं निवास करने लगती है, वहां पर दोस्तों स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं रहती है और वहां पर माता लक्ष्मी तो कतई निवास नहीं करती। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, संध्या काल के समय अपने घर की दहलीज पर आपको भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह दोस्तों महिलाओं विशेष तौर से ध्यान दें, अगर पुरुष भी जिद करें तो आपको ध्यान देना चाहिए, एकादशी हो पूर्णिमा अमावस्या इस दिन आपको भूल कर भी घर के अंदर मांसाहार न तो बनाना चाहिए और न ही आपको इस दिन किसी दिन शराब का सेवन करना चाहिए। अगर आप इन तिथियों के दिन मांसाहार बनाते हैं, मंगलवार एकादशी पूर्णिमा अमावस्या, तो आपके घर के अंदर दोस्तों देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते। इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और बिना किसी नशे का सेवन करते हुए। इसी तरह महिलाओं से निवेदन है कि गुरुवार और मंगलवार इन दो दिन के अंदर आपको भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। इन दिन बाल धोना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, ऐसा करना साक्षात घर के अंदर नकारात्मकता को आमंत्रित करके हुए बुरी शक्तियों का घर के अंदर वास करवाना होता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे तो आपके घर के अंदर कभी भी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है और साथ ही साथ ऐसा वैवाहिक जीवन भी लंबे समय तक मजबूत रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।